चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करें जीटीएल इंफ्रा के बारे में। अभी 10 बजे अब तक की सबसे बड़ी खबर है क्यूआईपी, वो भी 10 आरएस में। माय गॉड, ये क्या कर दिया आज एफआई वालों को, माल दिया करोड़ों का, टारगेट इसका 10 होगा, लोटरी लग सकती है बटे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में जीटीएल इंफ्रा का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो देखना जरूरी है सोने से पहले। तो डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि 10 बजे अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आई है कि आज सुन के दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर ये खबर सच हुई ना दोस्तों, तो घर बैठे आप सभी करोड़पति लिख लेना इस बात को। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स को यह यकीन नहीं होता है कि आखिरकार क्या हो गया स्टॉक मार्केट में। लेकिन मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ये डेट है 17/11/2022 टेंटन है, अभी न्यूज आई है। लेकिन उससे पहले शेयर की थोड़ी डिटेल लेना जरूरी है, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। देखो, शेयर 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 30 पैसे पर ऐसे ही घूम रहा है, 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 25 पैसे बैस, और शेयर है 99% क्रेस हो गया। और काफी टाइम से देखो यहाँ पे जून से ही इसी बॉक्स में तैर रहा है। देखो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा का मैंने आपको हर बार बताया कि इसका फंडामेंटल एकदम वीक है, एकदम कचरा है। बट न्यूज तो सुनो, ये तो फंडामेंटल की बात, बट बिजनेस मॉडल अच्छा है। 28,000 टावरों का बेस है, एयरटेल जियो वोडाफोन आइडिया सब इसके क्लाइंट है। फंडामेंटल वीक है, जीरो है, कोई कंपनी नहीं, सब कुछ दलदल है, कचरा है, सब प्लीज है, सब गिरवी रखा है ये मान लो। बट बिजनेस मॉडल अच्छा है। बट इसी के बीच एक कंपनी ने क्या खबर पेश कर दी है, माय गॉड, लॉटरी भी लग सकती है दोस्तों। अब चलते हैं उस न्यूज पर कि आखिरकार न्यूज क्या है। यहाँ पे देखो, ये जीटीएल इंफ्रा है, 17/11/2022 है, टेंटन एन इंग्लिश वाली यहाँ पर रीड कर लेना, हिंदी वाली यहाँ पर रीड कर लेना, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। देखो दोस्तों, अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अलोटेड कर रही है क्या, 4,56,29,581 इक्विटी शेयर है जो अलोटेड कर रही है, वो भी देखो 502.0 कंपनी कोराई में, और ड्यू टू यहाँ पे 1,876.0 डेप्टर, यहाँ पे 10 रुपया पर शेयर। आखिरकार ये भला क्या है। देखो दोस्तों, कंपनी ने अपडेट क्या दिया है, भैया सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, वो दिल गार्डन गार्डन कर रहा है, बट सभी सोच रहे हैं कि ये क्या सच है। यहाँ पे अगर ये अपडेट सच हो जाता है ना, तो देखेंगे पहले तो अपडेट क्या है। यहाँ पर इनको तो छोड़ना है अपन को, हम आपको सूचित करें चाहते हैं कि कंपनी की सीमित आयोजित अपनी बैठक में आयोजित विचार किया है, मतलब जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी उसमें विचार किया है। 5,020 कूपन अनिवार्य रूप से परिवर्तित बॉन्ड बनाई है कंपनी ने, बॉन्ड श्रृंखला B1 बॉन्ड, 140 ब्याज वाले परिवर्तनीय बॉन्ड श्रृंखला B2 बॉन्ड, ठीक है, 1863 शून्य कूपन अनिवार्य रूप से परिवर्तन बॉन्ड श्रृंखला B3 बॉन्ड के रूपांतर के लिए, परिणाम स्वरूप कुल 4,56,29,581 इक्विटी शेयर जो कि $7 मिलियन है, ठीक है, जो शेयर 7 बिलियंस डॉलर का रूपांतर में हुआ है, और ₹10 प्रति शेयर। अब ये क्या बोल दिया, शॉर्टकट में समझेंगे। देखो, कंपनी बॉन्ड बना रही है, क्यूआईपी के तहत बॉन्ड बना रही है, श्रृंखला के तहत सीरीज जारी कर रही है, इतना शेयर है, 4 करोड़ इतना शेयर है, इतना है, बट के शेयर की कीमत रखी है 10 रुपए प्रति शेयर, विदेशियों को बॉन्ड में दे रही है। अब ये एक बात बताओ दोस्तों, शेयर की प्राइस ले लिए 1 रुपए 20 पैसा, 1 रुपए 30 पैसा, और ये विदेशों में बॉन्ड बना के श्रृंखला चला के इक्विटी शेयरों को कैसे भी घुमा फिरा के 10 रुपए में प्रति शेयर दे रही है। तो या तो विदेशी पागल होंगे भाई, 1 रुपए का शेयर 10 रुपए में ले रहे हैं, या फिर कंपनी पागल होगी भाई, एक करंट प्राइस 1 रुपए चल रही है और 10 रुपए में बॉन्ड बना के दे रहे, आखिरकार भला क्या है। अब समझते हैं, ये तो अपडेट हो गया कि भाई पर शेयर 10 रुपए की प्राइस रखी गई है, ठीक है, ये फिक्स नहीं हुआ है, इस पर अभी विचार करें, विमर्श करें, बट ये फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, यूएसडी डॉलर है ये। अब देखो दोस्तों, अगर ये फिक्स हो जाता है कि भाई विदेशियों को इतनी डॉलर में है, हम इतने शेयर देंगे, 10 रुपए प्राइस के हिसाब से अलोटेट कर देंगे विदेशियों में, तो इस शेयर की लोट लग सकती है, 10 रुपए पार जाना ही होगा भाई, नहीं वरना 1 रुपए का शेयर को 10 रुपए में कौन खरीदेगा, 10 रुपए के ऊपर की प्राइस होगी तभी तो खरीदेगा ना, ये सिंपल सा लॉजिक है। बट ये मिसप्रिंट है या क्या है, वो तो अपन को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, नेक्स्ट अपडेट हो आ जाएगा। बट अगर ये सच होता है कि 10 रुपए में अलोटेट करती है शेयर, विदेशियों को अलोटेट देती है श्रृंखला के अनुसार, तो भैया लोट लगी और घर बैठे करोड़पति हो गई, क्योंकि ये कचरा शेयर जो दलदल है पूरा वीक है। यहां पर देखो, पूरा शेयर तो इसका 100% शेयर है जो प्लीज है,
1500 करोड़ की कंपनी है, उस पर 4600-4700 करोड़ का तो कर्जा पड़ा है और 16000 करोड़ रुपए माइनस में पड़े हुए हैं और लाइब्रेरीज कर्जे हैं 8000 करोड़ के। मतलब कोई कंपनी नहीं है, पूरा दलदल है ऐसी कंपनी। लेकिन कोई जमाने में ये कंपनी है दोस्तों 100 रुपए पर ट्रेड करती थी कोई जमाने में, ध्यान रखना। अगर ये अपडेट मतलब ये फिक्स हो जाती है, अभी कंपनी विचार कर रही है, अगर ये फिक्स हो जाता है ना दोस्तों तो इस कंपनी की लोट लग सकती है, शेयर में अपर सकी लेके इस शेयर को है ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। अगर ये अपडेट सही हो जाता है, अलोटेट कर देती है 10 रुपए प्रति शेयर को, अगर फॉरेन वालों को ये दे देती है ना तो इस शेयर की करंट प्राइस तो 10 रुपए से ऊपर ही होगी। क्या पता फॉरेन वाले चेक कर ले तो 10 रुपए में 1 रुपए का शेयर 10 रुपए में थोड़ी लेंगे। अब तो ये तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, नेक्स्ट कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आता है तो देख लेंगे। बट कंपनी में लाखों रुपए लगाने वाली कंपनी नहीं है, पूरा कल्चर है दलदल है, कुछ भी रातों रात हो सकता है, बट 1000-2000 की रिस्क ले सकती है। बट इस अपडेट ने पूरे मार्केट में तहलका मचा रखा है, सबका होश उड़ गया है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, यहाँ पर सन्नाटा फैला हुआ है कि आखिरकार कंपनी ने क्या अपडेट दे दिया, आखिरकार क्या है। लेकिन ये सच हो गया, ये फिक्स हो गया 10 रुपए पर शेयर, तो इस कंपनी की लोट लग जाएगी। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट अपडेट कंपनी क्या देती है क्या नहीं देती है, नेक्स्ट अपडेट पर पूरा खेल है टिका होगा। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों।